गाइस आज प्रणव भैया की शादी है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रणव भैया एंड भाभी। बस सही बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे बंदों के लिए ना मैं अपनी शादी के एंट्री गेट पर दो दरबारी खड़े करवाऊंगा, वो भी इतने बड़े बड़े बालों के साथ। और उनको बोलूंगा ना, जहाँ पे तुम्हें ऐसा बंदा दिख जाए बस पीछे से उसके बाला चढ़ा देना पूरा। मैं भाई पता नहीं पहाड़ों की कौन सी काली घाटी में से लेके आता है ये बंदा इतना सारा क्रिंज। मतलब उधर बेचारी वो भाभी भी बैठे बैठे ये सोच रही है कैसे कैसे दोस्त पाल रखे मेरे शौहर ने। फाइनली सुरेश रैना भाई से मिल ही लिए अपनी लैम्बोर्गिनी में। रैना भैया इन द कार, क्या हाल है रैना भैया? गाइस अभी हम लोग घुस रहे हैं स्टेडियम में और हम डैम श्योर यहाँ पर भीड़ होने वाली है श्योर, क्योंकि लोग हमारी गाड़ी पहचान जाएंगे। कि भाई स्टेडियम पे भीड़ इसलिए नहीं होगी कि वहाँ पे बंदे मैच देखने आ रहे हैं, या फिर इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं। भाई स्टेडियम में भीड़ होगी क्योंकि भाई बाबू भैया की गाड़ी आ रही है वहाँ पे। टोरा खाली चल रहा तो भाई यूके के बदमाश का भाई, कि सब बंदों ने भीड़ इसलिए लगा रहे कि भाई यूके भाई की गाड़ी आ रही है यहाँ पे। ये नहीं कि यूके भाई की गाड़ी के अंदर सुरेश रैना भाई आ रहा है। भाई सारे क्रिकेटर लोगों ने भाई टोपे के नीचे रखता है ये बंदा अपने। भाई पुलिस वाले, ओ भाई भाई तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतना शॉक क्यों हो रहा हूँ? तुमने शायद देखा नहीं कि भीड़ में ना एक एलियन खड़ा था। ओ आई मीन टू से पी टाउन का मेंबर भाई। अब मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे यूके भाई की आर्मी खड़ी हुई है भाई, अब मैं मानता हूँ। भाई पुलिस वाले के सामने बोल रहे हैं रेफ करो। हाँ भाई पुलिस वाले तो इसे बोल रहे भाई रैप करो भाई शोर मचाओ यहाँ पे। वो बात अलग है, मुझे वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला ऐसा बोलता हुआ नहीं देखा कि भाई यूके भाई प्लीज प्लीज एक बार रैप कर दो यार, प्लीज एक बार रैप करके हमारे कच्चे फाड़ दो यार प्लीज। बट यूके भाई ने अपनी सफाई पहले ही दे दी कि भाई पुलिस वाले बोल रहे रैप करो, तो यूके भाई ने मचा दिया वहाँ पे शोर जबरदस्ती का। को ये जादू दिखा रहा था। आउट वी हैव गॉट टू चेक करो बॉयज, दिस इज द होल येलो कलर, हमारी लैम्बो भी येलो एंड इसका कलर भी येलो। भाई इसकी आंखों में कोई गधे का मूत फिल्टर करके डाल दो यार, मतलब कौन से एंगल से येलो कलर नजर आ रहा है इसको, कौन सी दुनिया में इसको येलो बोला जाता है भाई। मुझे लग रहा है कि इसका चोचिया बिन्ना भाई स्टेज फोर पे पहुंच चुका है। एक तो भाई अगर तुम यूके भाई के व्लॉग्स 5 मिनट से ज्यादा देखना शुरू कर दोगे ना भाई, तो उसमें तुम्हें व्लॉगिंग कम और हवाबाजी और शो ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। राइडर तो सुपर कार में घूमते हैं और जो टू टाइमिंग करते हैं वो टैक्सी में। शो का विनिंग प्राइस की गाड़ी थी ना वो मैक्लारेन के दो टायर में आ जाएगी। जितना शो का विनिंग प्राइस था तो उतना तो हमने डोनेट कर दिया। ओ नहीं, एक शिपमेंट हमें 2.5 लाख रुपए की पड़ रही है, सोच रहे हो महंगे 2.5 लाख महंगी जैकेट, अगर इस पे कलर पड़ गया तो फिर दादाजी की जमीनें बहुत है गाइस। चलते हैं गाइस, कैब नीचे वेट कर रही है। एक्चुअली बॉम्बे में हमारी सुपर कार्स नहीं है ना, मैं गरीब हूँ फिर कैब में ही जाना पड़ता है। ये बकचोदी मत करो यार। बेसिकली जो रेंट पे गाड़ियां मिलती है ना उनका जो रेंट प्राइस होता है वो मोटा मोटा एक दिन का 2000 दिरहम होता है, एंड अगर आप महीने के लिए रेंट कर रहे हो तो आप 60,000 दिरहम, अगर आप पूरे 6 महीने के लिए रेंट कर रहे हो तो आप 7,20,000 दिरहम, तो आप 7,20,000 दिरहम। भाई वैसे अगर तुम में से कुछ लोगों को पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यूके भाई पहले एक टीचर हुआ करते थे, और अभी जो मैंने यूके भाई की कैलकुलेशन और मैथ सुनी है ना भाई 7,20,000 दिरहम, उसके बाद मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि यूके भाई के जितने भी स्टूडेंट्स रहे होंगे ना भाई उनका फ्यूचर आगे जाके मेट्रो में जेब काट नहीं है भाई खाली। हैप्पी हॉलीडे एवरीवन, हैप्पी होली मम्मी। अरे भाई होली ठीक है, लेकिन यार एक मिनट ये बताओ ये पीछे तातिया बिच्छू की पेंटिंग किसने टांग रखी है? हैप्पी होली मम्मी। और भाई यार ये तो अपने यूके भाई है यार। भाई जिसने भी यूके भाई को ये ड्राइंग गिफ्ट करी है ना भाई, भाई मुझे लग रहा है वो यूके भाई के फैन से ज्यादा ना यूके भाई का दुश्मन होगा। कहीं पाजी ने तो नहीं दी थी ये ड्राइंग? अरे ये गाइस नारियल का तेल लग रहा है ताकि वो आकर के कलर आराम से छूट जाए। बच्चों की ज्यादा वो नहीं कर सकता देख रेख, चिंता। यूके भाई किसी को अपने हाथों की बलि थोड़ी ना देनी जो वो तुम्हारे इस झुए के अंदर अपने हाथ डालेगा कलर लगाने के लिए। मतलब मैं अगर अपना हाथ डाल दूं ना उसके बालों के अंदर, बता रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में दम तोड़ देंगे वो अपना। भाई यूके भाई तुम ना रात के 9 बजे के बाद ना ऐसे खुले बालों के साथ बाहर मत घुमा करो, नहीं किसी दिन रणवीर भाई ने तुम्हें पहाड़ों का यति समझ के घर उठा के ले जाएंगे। अपनी सुपर का लैम्बोर्गिनी सीज कर दी पुलिस वालों ने। ट्रक था वो एसटीओ वाले ने पकड़ लिया एंड ट्रक के कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, उन्होंने ट्रक तो सीज करा अपनी लैम्बो भी उन्होंने सीज कर दी गाइस। मतलब यूके भाई 2-3 लाख रुपए लगा रहे अपनी गाड़ी शिप कराने के लिए। एक शिपमेंट हमें 2.5 लाख रुपए की पड़ रही है, सोच रहे हो। लेकिन यूके भाई ने ट्रक वाला ऐसा जो ना जिसके डॉक्यूमेंट तक पूरे नहीं थे। भाई यूके भाई हवाबाजी करने के अलावा थोड़ा यार डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिया करो जहाँ तुम 2-3 लाख रुपए दे रहे हो भाई प्लीज। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि यूके भाई की गाड़ी जब सीज हुई तो यूके भाई का टोरा इतना तगड़ा चल रहा है भाई कि ड्राइवर यूके भाई की गाड़ी छोड़ के भाग गया भाई। ड्राइवर बोल रहा है मैं गाड़ी छोड़ करके भाग रहा हूँ अपने गाँव होली मनाने के लिए। मैंने गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है वन एक्स बेट, ऑफिशियल पार्टनर ऑफ पीएसजी एंड सीरिया ए।
जहाँ पे आप क्रिकेट फुटबॉल टेनिस लाइव मैचेस देख के आप उनके स्कोर को प्रेडिक्ट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और इसी के साथ आपके पास मौका आईफोन लैपटॉप कैश प्राइजेस जीतने का। इस ऐप पे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जैसे क्रैश, क्रिस्टल, अंडर एंड ओवर 21, ऐसे बहुत सारे गेम्स खेल के आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। और गाइस अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके रजिस्टर करते हो तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट 43,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और गाइस आप अपने पैसे को इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई, क्रिप्टो या फिर पेपर के द्वारा। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी। तो गाइस देर किस बात की, इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो गाइस यूज माय प्रोमो कोड प्ले गेम्स एंड विन एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और वैसे जिसने भी यूके भाई की लैम्बो सीज करी है ना भाई, सही बता रहा हूँ, उसने ना यूके भाई की लैम्बो की जिंदगी बचा ली भाई, क्योंकि सुनने में आया कि यूके भाई अपनी लैम्बो में सनरूफ कटवाने वाले थे भाई। पहले उसके बाद इसका एग्जॉस्ट और इसका सनरूफ का काम होना है गाइस। ये भाई उनमें कई बंदा जो बंदा स्विफ्ट में सनरूफ कटवा के नहीं घूमते, सभी एक सनरूफ कटवाएगा और एक रेनबो कलर का भाई सब रैप करवा देगा लैम्बोर्गिनी में। भाई इसकी गाड़ी ने ना रैम की भीख मांगी होगी पुलिस वालों से कि भाई प्लीज मुझे जब्त कर लो भाई, प्लीज इस जानवर से बचा लो बस। फाइनली मनारा चोपड़ा से मिल ही गए बिग बॉस के बाद। टाइम टू मीट वन ऑफ आवर फ्रेंड मनारा। लोग जा रहे हैं उसके घर, उसने घर पे राजमा चावल बनाए, उसने बना रखे घर में, उसकी मम्मी ने दाल चावल बनाया। भाई अभी ये बंदा कह रहा था कि वहाँ पे राजमा चावल बने हैं, राजमा चावल बनाए, फिर ये बंदा कह रहा है वहाँ पे दाल चावल बने हैं, इसके लिए दाल चावल बनाया। और जब ये बंदा उस बंदे से डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई भूख लग रही है मुझे, तो बंदे डायरेक्ट से मुंह पे क्या बोल रही है, खाना बना के रखियो, सच्ची में बहुत भूख लग रही है, मैंने छोड़ दिया खाना बनाना, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे घर पे खाना वाना नहीं है भाई, मुझे खाना बनाना नहीं आता। बस खाना तो छोड़ो, बंदे के मुंह पे चाय तक के लिए मना कर दिया उस बंदे ने। तू चाय बनाती है केवल? चाय भी भूल गई, मैंने नहीं बनाई। ये देखो ना फ्री एग्जिट देख लो भाई, फ्री एग्जिट भाई। भाई अभी तक तो मुझे लग रहा था कि यूके भाई के बच्चों का फ्यूचर वही है कि मतलब वो जेब काटेंगे मेट्रो में, लेकिन अब तो मुझे ये लग रहा है कि वो बंदे को केबीसी लॉटरी भी दिलवाएंगे भाई बंदों को व्हाट्सएप पे। भाई ये शौक होने की जो 10 रुपए वाली एक्टिंग जो करी है ना इन बंदों ने, मतलब क्या दरवाजा क्या उसके भूत ने खोला था क्या आके, या फिर दरवाजा उसके घर का खुला ही रहता कोई भी घुस जाता अंदर, अंदर घुसने के बाद उस बंदी को पता चला अरे माय गॉड ये तो यूके भाई है साक्षात मेरे घर के अंदर। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मनारा की शूज है ना जो वो बिग बॉस के अंदर लेके गई थी। नहीं यूके भाई तुम्हें क्यों अपनी बेइज्जती करानी होती है यार, हर जगह मुंह पे उंगली रख के बैठा करो ना यार, खाना खाने हो खाना खाओ और निकलो, क्यों कूल बन रहे हो गई ना बेइज्जती फिर। यूके भाई का मुंह और गर्दन देखो भाई, मतलब दोनों का टोन एकदम ही चेंज हो रखा है भाई। यूके भाई तुमने क्या आटे के ड्राम में मुंह दे दिया था क्या भाई, कौन से मंगल बाजार वाले पाउडर का डब्बा अपने मुंह पे उड़ेल लिया था तुमने। अबे यार मैं भूल कैसे जाता हूँ, फिर बंदे को अपनी ब्यूटी भी तो मेंटेन करनी होती है यार, आफ्टर ऑल ही इज अ सेलिब्रिटी यार, इसके लिए भीड़ लग जाती है स्टेडियम्स के बाहर यार। वैसे मैं तुम्हें यूके भाई का एक और टैलेंट बताने वाला हूँ भाई, यूके भाई ने गाड़ी के अंदर बैठ के भाई पॉडकास्ट करना भी शुरू कर दिया है भाई। चीज ना हमारी ऑडियंस आपसे ना बहुत स्पेसिफिकली पूछ रही थी, आपको पता है हम लोग गली में क्रिकेट खेलते रहे, फर्स्ट बॉल पे अगर आउट हो जाता है कोई तो फिर वो ट्राई बॉल वाला सीन रहता है, फर्स्ट बॉल पे आउट वाला रूल, वहां पर नॉट आउट वाला चलता ही नहीं चलता है। मतलब ये बंदा कितने बड़े क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ है और उससे ये पूछ रहा है कि आपके मैच में ये होता है कि अगर पहली बॉल पे अगर आप आउट हो जाओ ग्राउंड में तो आप ये बोल दो कि मैं ट्राई बॉल थी, तो ट्राई बॉल थी। तो गली कूचों में क्रिकेट खेलते क्या वो, जो इंटरनेशनल मैच में पहली बॉल पे आउट होने में बोला अरे भाई ये तो ट्राई बॉल थी भाई, भाई मैं तो अपना बल्ला लेके घर जा रहा हूँ भाई। मतलब वो बंदा भी घबरा गया कि यार अब इस चूतिए को इस चीज का क्या जवाब दूं मैं, सवाल का मैं जवाब दूं कैसे। नहीं सही बता रहा हूँ, सवाल सुनने के बाद इस बंदे के मन में आया तो होगा कि शेखर पकड़ के ना इसी के मुंह में डाल के हिला दूं मैं, बस कैमरा देख के रुक गया वो भाई। जाता था देखो तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ सीखने को तो मिलता नहीं है, आज जाते हैं तो तुम्हारा भाई तुम्हें एक मोटिवेशन देना चाहता है भाई थ्रू लोली भाई। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? क्या नहीं खरीद सकता लोली भाई? रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है भाई। सही बात है भाई, मतलब चाय बेच के तुम रोज रॉयल तो नहीं ले सकते, लेकिन रोज रॉयल जरूर ले लोगे भाई। कर ले भाई तू। तो भाई आज की वीडियो बस इतना, होप करता तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई मेहनत इतनी करो कि तुम्हारे घर के नीचे भी ना भाई चार रोज रॉयल खड़ी हो भाई, चार रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है।